प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। 2 किलो 300 ग्राम का सोना सस्ते दाम पर, क्या आप खरीदना चाहेंगे? सोना खरीदने से पहले आप इसकी जांच करा सके कि सोना सही है या नहीं, इसलिए आपको 200 ग्राम से ज़्यादा का सोना मुफ्त में दे दिया जाएगा। आप जांच करा लीजिए और सही लगे तब ही खरीदिए। सोना बेचने वाला कोई बड़ा सुनार नहीं है, गरीब परिवार जो मजदूरी करके अपना पेट पालता है वो है। अब सवाल है कि इनके पास इतना सोना आया कैसे, तो इस सवाल के जवाब में एक रोचक कहानी आपका इंतज़ार कर रही है, जिसमें गूंगा मामा खुदाई में शामिल है और कुएं की खुदाई के दौरान ये सोना मिला है और मामा उसे सबसे छिपाकर घर ले आया। अब यह पूरा परिवार इस सोने को बेचना चाहता है। इसी तरह के कई सवाल के जवाब फोन पर आपको पूरी जानकारी देने वाले के पास है। एक ऐसा ही कॉल हमारे सहयोगी विवेकानंद सिंह के पास आया। हेलो, सामान देख लिया? हाँ देख लिया। हाँ भैया, 20 में का वाला देखा है ना, 20 में? हाँ, वही से 40,500 रुपए का भैया, जी सोनार का चेकिंग किया भैया। अच्छा, तो सोनार बोला 99/24 करेक्ट का सोना है भैया जी। तो सोनार जी, सोनार अगर आपको पैसा देने के लिए तैयार था तो क्यों नहीं दे दिया उसको? भैया जी, हम लोग तो बोलिए दिन हाजिरा काम करने वाला आदमी, अगर किसी को पता चल तो भैया बहुत दिक्कत होगा भैया। ये तो है, लेकिन आजकल आजकल दुनिया में है क्या, पा देना भी है ऐसा नहीं, मुश्किल बहुत नहीं है, क्योंकि भैया जी सुनिए, आपका से हम क्या बोल रहे हैं, आप ये सामान के बारे में सिर्फ आप जानते हैं, दूसरा आदमी का भी नहीं, सिर्फ आप जानते हैं भैया। और वही से जो 20 में काटा वाला देखा ना, वही से 4 टुकड़ा काट के लेके गया था सोनार के पास, 4 टुकड़ा। आप अगर हमारे इलाके में आ जाते थे यहीं पर हम आपका सब बेचवा देते हैं। भैया जी सुनिए, हम तो जाने से दूरी, हम काम करने वाला आदमी, मेरा भी परिवार है भैया, मेरे गूंगा मामा को ये सामान मिला भैया। अच्छा, आपके गूंगा मामा को मिला है ना? हाँ हाँ, मेरे गूंगा मामा को मिला है। पहले भैया आप समय निकल के आने से आपको, हाँ वही है, हमारे पास तो हम समय निकालेंगे तब तो आपके यहाँ जा पाएंगे। हाँ हाँ, समय निकलना पड़ेगा, बाद में आपको आना है भैया, बाद में आपको यहाँ से 200 ग्राम सामान भैया दिया जाएगा। हाँ, उसका 1 रुपया भी भैया हम लोग को आगे पे नहीं चाहिए, बाद में सामान लेके जाके चेकिंग करने के बाद अगर इसका दाम 10 रुपया होने से ना भैया, 5 रुपया मेरा मामा को देना है, 5 रुपया आप लोग को लेना है भैया, ठीक है ना? ठीक। आप इनके जाल में फंसे तो पूरी तरह फंस जाएंगे। इनके जाल में फंसने के लिए इनकी कहानियों से ज्यादा आपकी लालच आपको ज्यादा मजबूर कर सकती है। ये बताते हैं कि आपके पहचान के ही एक व्यक्ति ने आपका फ़ोन नंबर दिया है और उन्होंने बताया है कि मैं इस मामले में आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। आपको इस पूरी कहानी पर विश्वास रहे, इसके लिए सोने की एक तस्वीर भी आपको भेज दी जाती है। हमने इस तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज में भी सर्च करने की कोशिश की, लेकिन ये तस्वीर हमें कहीं नहीं मिली। फिर हमने इंटरनेट पर असम में सोने और ठगी से संबंधित खबरों को तलाशना शुरू किया, जिसके बाद हमें एक के बाद एक कई ठगी की खबरें मिली। इस तरह के कॉल से सतर्क रहिए और लालच को कभी इतना मत हावी होने दीजिए कि आपका बड़ा नुकसान कर दे। ऐसी ही कहानी कई लोगों के पास है, कई लोगों को अलग अलग नंबर से कॉल आया है, कुछ लोगों ने दिमाग लगाया तो कुछ लोग लालच की वजह से शिकार हो गए। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।